ये साड़ी अठारी का नाम है, अठारी छानवे का नाम है, पैंती गाड़ी ना उन्हें बात ये सारी जमीन जिन्नी भी उपर तक लब्भा दी है, ये सारी अद्धी फैक्ट्री अंदर गई दी है, बाकी थाले तक जिन्नी भी सारी जमीन है 96 कनाल जमीन है साड़ी, तो ये सारे फैक्ट्री ने फैक्ट्री वाले जबरदस्ती की है, इतने भी असं कम करा दे हैं, रोकाबंदी करा दे, मगर कुछ ने साड़ी नहीं मनी है, तो सानू अपना हक दिता जाए, ये साड़ी फैमिली जिन्नी भी है इनके कोल अपना कुछ भी नहीं है, तो असी माइग्रेंट है डोडा दे आए दे हैं, तो साढ़े नाल कोई भी पहले मालकी बना दिती है साढ़े मतलब नरेंद्र कोलू ले ही है वह भी मालकी बनाई दी उन्हें, तो सानू धोखे में रखा गया, तो बाद च ये हंसराज पटवारी है इन्हें बड़ी बारी साढ़े को पैसे खाए दे, ये गरदौरी के बार बार पैसे खाए, रोशनी एक्ट के भी पैसे इन्हें खाए दे, मगर हूँ सानू आखता हाँ तो छे भराएं की भी थोड़ा हक दिता जा, मगर वह भी नहीं दिता, जेडे बोलने वाले हे वो टेकराज जी है साढ़े नाल, उन्हें पैसे दिते गए उनके मुँह बंद कराई ओड़े, तो साढ़े नाल मतलब इे कि डांग डांगा दसते हैं रस्ता दसते जेड़ा मर्जी करना करी लाओ जाओ तुम, तो थोड़ा मतलब इतने कुछ नहीं है सरकारी है जमीन पर साढ़ा दारोमदार है, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते है, ना ज़्यादा पढ़े लिखे, साढ़े डैडी अनपढ़ है, उन्हें मतलब ठगी ठुगी है, मतलब अहें बड़ी बारी उनके नाल काम कराए मजदूरियां कराइया वह भी मुफ्त में कराइया इस जमीन के पिछे, पर सानू अज भी मतलब अज भी सानू रात दिन इे डर है कि डरते रहेंगे साढ़े बच्चे साढ़े साढ़ा रोजगार इे हा, ये सारी जमीन साड़ी अपनी ही जेड़ी बाउंड्री है, ये फैक्ट्री जिनी भी है साढ़े बच्चे है लगी दी है, पर इन्हें पटवारी ने सानू आख्या है कि तुहानू तुहाड़ा हक दिता जाए और तुहानू सारे बिच जमीन दी जाएगी शिफ्ट करांगे कुछ करांगे, मगर कुछ नहीं किया साढ़े नाल, साढ़े नाल इे बेईमानी की है, मालक कोई नहीं किता, बेचने वाला कोई नहीं है, इं रस्ता दसते ना बाकी माइग्रेंटे असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਮਰ ਉਹ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁਆੜੀ ਜੁੜੀ ਉੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਲੋਕ ਹਮਾਰੀ ਕੁਝ ਬਾਤیں ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰ ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਖੇਤ ਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ इन लोगों ने बहुत दुखी किया है हमें क्योंकि हम ये जमीन खुद कौर नहीं की थी हमें ये खरीदी थी अपनी पीछे जो हमारी मालकी थी हमारे ससुर ने जो पीछे मालकी बुजुर्गों की जमीन थी वो बेच के हम इधर आए थे इधर हमें ये जमीन खरीदी गई थी वो घाटी का नरेंद्र है नरेंद्र से हमें ये जमीन खरीदी थी फिर ये बहुत पथरीली जमीन थी ऐसे नाले नूले बने थे पानी लग रहा था इस जमीन में मगर ऐसे जाड़जुल्ला बहुत था हमें अपने बच्चे लगा के पूरा परिवार लगा के मशीनें लगा के जमीन पधरी की इसमें अब हम फसल उगाने लगे तो इन लोगों ने सारे मिल मिल के रोज आने लगे रोज फीता लगाने लगे हम बोलने लगे फीता क्यों लगा रहे हैं जमीन को तो वो ऐसे बोलने लगे नहीं नहीं ऐसे ये जगह की पैमाश कर रहे हैं हमें कोई 3 साल ऐसे धोखे में रख दिया अच्छा नोटिस हमारे पास आज तक भी नहीं आया है आज तक हमारे पास कोई डीसी का नोटिस नहीं आया है कोई तहसीलदार का कोई पटवारी का कोई नोटिस नहीं आया है कि ये सरकारी जगह आप उठ जाओ ऐसे कुछ नहीं हुआ है बिना मतलब सीधे आके क्रेन लगा के खेत में सीधा क्रेन लगा दी जब ये फैक्ट्री बनी है तो इधर आके क्रेन लगी हमें घर से देखा क्रेन लग गई हम दौड़ते आ गए भागे आ गए मुझे इधर अटैक भी आ गया था क्योंकि मैं बीपी की मरीज हूँ मुझे अटैक आ गया इधर जब देखा वो क्रेन ऊपर से लगाने लगे अच्छा जैसे हम इधर भागे दौड़े ऐसे सारे पुलिस पूरे तहसीलदार भी आ गया इधर एक अच्छा वो सारे बोलने लगे कोई बात नहीं ये फैक्ट्री बनने दो आपका हक दे देंगे ये इधर वाली दे दो जो इस साइड में जमीन भी आपकी और आपको कुछ पैसे भी दे देंगे आज तक अभी ये काम लगे देखो फैक्ट्री खड़ी हो गई ना हमें कोई पैसा दिया ना कोई बात पूछी सगो जो हमारे पास बची थी ये भी इन्होंने हमें कणक लगाई थी हमारी कणक बहुत ऊंची हो गई जब सीटें निकलने लगे तो इन लोगों ने सारे खेड़े खोल के तो अंदर डंगर लगा दिए भेड़े बकरियां सब कुछ क्योंकि हमारे खेड़े खोल दिए
नीचे से गड्डियां लगाने लगे, हमारा खेड़ा खोल दिया, हमारी फसल सारी, कम से कम भी हमारा इधर 40,000 का नुकसान किया जो हमें लगाया था, हेल डाला था, बीज डाला था, सब कुछ बुआई की थी, हमारा इतना खर्चा इस साल में किया इन लोगों ने। और हमारा कोई नहीं बना, ना कोई डीसी बना। हम 3-4 बार हमें जाके एप्लीकेशन लिख के डीसी के पास दी, सारी फैमिली गई, पूरे इलाके के लोग लेके गए हम, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं आई। ये 96 कनाल जगह है साहब हमारी, और इसमें 35 कनाल जिसमें फैक्ट्री बन चुकी है, और अभी आज के दिन भी हम लड़ रहे थे, नीचे बन रही है, अभी भी उजाड़ रहे हैं हमारी जमीन, जो हमारे पास बची थी वो भी उजड़ रही है। आप बोल रहे हैं आपका कुछ नहीं है, देखो रिकॉर्ड हमारे पास है, तुम्हारे क्या इधर, तुम जाओ जहाँ के थे वहाँ। सर हम सोच रहे हैं कि सरकार हमारा भी कुछ सुने, हमारे परिवार का भी कोई पालन पोषण करे, हम कहाँ जाएंगे, या तो हमें कोई खेत दे, हमें कोई जगह दे, हमें कोई पैसे दे, हम तो यहाँ से भागेंगे, नहीं तो इधर ही मर जाएंगे हम। हमारे पास गिरदावरियां है सर, हमारे पास गिरदावरियां, और क्या कागज होंगे, जो जिसने दी थी उसने बोला था मेरी आधी मालकी है आधी सरकारी है, रोशनी अंतकाल करके मालकी कर दूंगा। फिर सर हमारे पास से इन्होंने रोशनी अंतकाल के लिए पैसे भी लिए, फाइलें भी लगाई, सब कुछ किया। और वो पटवारी उस टाइम में हमारा इधर गिरदावर था, वो उसका नाम है हंसराज और बीरू पटवारी, ये सारी सब कुछ किया जो आप दिख रहे हैं, ये सारा कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। आज वही पटवारी, जिस पटवारी ने ये पैसे लिए थे, ये फाइलें लगाई, आज वही पटवारी बोल रहा है इधर आपका है ही नहीं कुछ भी, कुछ नहीं। मैं तो यही बोल रही हूँ सर कि अगर नहीं था, ये सरकारी थी उस टाइम, वो पटवारी कहाँ था, वो गिरदावर कहाँ था, वो तहसीलदार कहाँ था, वो क्या मर गए थे उन्होंने, हम तो गरीब लोग थे, अनपढ़ है हमारी फैमिली सारी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम सभी के पास गए हैं, सभी के पास गए हम, बस करेंगे करेंगे करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे सोचेंगे। हमें तो उधर से भेज देते थे, हमें एक दो बार उधर जाके डीसी ऑफिस में मीडिया से भी बात की थी, उधर मीडिया भी बुलाई थी, कुछ नहीं हुआ हमारा, हमारी कोई सुनाई नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये मरी जाए तो अच्छी बात है, पर हम ऐसे नहीं मारेंगे, इधर ही मारेंगे, हमें तो तभी इस खेत से निकलेंगे हम। ना कोई पैसा मिला, जमीन भी चली गई, और हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, बिल्कुल पूरा खानदान हमारा पूरा परिवार, किसी की बाजू टूटी है, किसी की टांग टूटी है, कोई कमाने वाला भी नहीं है सर हमारा, हमारा कोई ऐसे कोई दिहाड़ी लगाने वाला भी नहीं है। हम इसी जमीन में औरतें लग के थोड़ा थोड़ा काम करती थी और अपना पेट पालती थी, तो अब क्या करेंगे हम। हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा कुछ सुने, सुनाई करे, हमारे बारे में भी कुछ सोचे। बस यहाँ हमने जमीन खरीदी, मिलिटेंसी हो गई थी पीछे, तो फिर हमने यहाँ जमीन खरीदी थी सर, सारी जमीन हमने, सब ने 6 भाइयों ने पैसे दिए थे, मतलब ये खड्डा था, हम ये जो मतलब पूरी बंजर जमीन थी, हमने इतना पैसा लगाया और इतनी जमीन से दी कि जब हम जमीन लगाने लगे, अच्छी हमारी जमीन लगने लगे, तो फैक्ट्री वाले आए, इनका ये पता नहीं है, जब हम पूछते हैं आप लोग हो कौन, कभी कहते हैं हम सरकार है, कभी कहते हैं हम बाहर बम्बई से है, कभी कहते हैं हम दिल्ली से है, हम इनको कुछ नहीं जानते ये लोग कौन है। इन्होंने आके जमीन ले ली और हम आके ना हमें कोई पैसा, हम जब इनको बोलते हैं कि हमें पैसे दे दो, ये कहते हैं आप लोगों ने हमारी जमीन आज तक लगाई, आप लोगों को फर्ज बनता हमें देना, हम सरकार है, हम किस सरकार के पास जाएं, हम किसको जाके अपनी बात बताएं कि ये जमीन हमने खुद ली है, नरेंद्र साहब से हमने ये जमीन ली है, पैसे दे के लिए गुरुद्वारियां चढ़ाई सब कुछ किया, आगे अब हमारा कोई मतलब नहीं निकल रहा है सोल्यूशन, हम किसको क्या बताएं। तो इसलिए शुक्र अदा हम आपका करते हैं कि आपने हमारी खबर सुनी और आपने हमें सुना, ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा हमें हक दिया जाए, क्योंकि ये अब आज भी हम गए थे हमारी जमीन को ये खोद रहे थे, हम गए तो इन्होंने बोला आप सिड़कू वालों के पास जाओ, जब हम सिड़कू वालों के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि वो तो आपने आज तक हमारा खाया तो अब हमसे क्या ढूंढ रहे हैं, हम किससे मांगे, हमें ये पता नहीं चलता, हम सारे इधर हमारे अनपढ़ सारे भाई बहन सारे अनपढ़ किसके पास जाएं, किसको हम अपनी खबर सुनाएं। ये हमारा आपके साथ बड़ा शुक्रिया अदा हम आपका करेंगे कि कहीं सरकार तक बात पहुंचाओ हमारी, ये जबरदस्ती कब्जे कराए जा रहे हैं। हम जब ये क्रेन लाते थे, हम इधर आते थे, वो कहते थे जाओ जिसके पास जाना है, हमने तो हमारी मतलब आपकी जमीन ले ली है, आपका तो था ही नहीं है, ये तो सरकारी है, जब ये सरकारी थी तो फिर हमें बेची क्यों गई थी, अगर ये सरकारी थी तो फिर हमारी गिरदारियों की लगाई गई थी, तब कहाँ थी इनकी सरकार,
तब कहाँ थे इनके गर्दावर, तब कहाँ थे इनके पटवारी, तब इनको सरकारी नहीं दिखती थी, तब हम लोगों की मजबूरी दिखा के इन्होंने हमसे लिखवाया भी सब कुछ, पैसे भी लिए, लगाते गए, तब तो नहीं था सब कुछ सरकारी, अब कैसे सरकारी हो गया, अब क्यों नहीं सरकार यहाँ देख रही है गरीबों का, कितने कितने पेल चले गए बेचारे, सारा डोडा से आके जमीन ली थी इधर, ये अब हो गए हमारे अब 1996 में। हाँ, तो हम इतनी देर से रह रहे हैं इधर, अब हमारा कुछ बंदोबस्त करे, इन्होंने बोला था बंदोबस्त आएगा जब हम कागज बनाते थे, इधर बंदोबस्त आएगा आपका अलाट हो जाएगी जमीन, वो भी कुछ नहीं हुआ, अब हमारा सरकार जवाब दे कि वो सरकारी जमीन, अब हमारा हमें भी तो कहीं जगह दे ना, हम उस जगह पे बैठे जहाँ हमें सरकार देगी, अब ये बोलते हम सरकार है, ये लोग बोलते हम सरकार है, आप हमसे क्या ले रहे हैं, आप बल्कि आपको हमें देना पड़ता है, हम ये पूछ रहे हैं कि जब सरकार थी तो फिर हम ये बेची क्यों गई थी, हम इसी जमीन में बैठेंगे, हम इधर ही अपनी जान दे देंगे, यहाँ तो हमें कहीं बैठाओ, यहाँ तो हमें कहीं पैसा दे दो, यहाँ तो कहीं हमारा जुगाड़ कर लो, हम कहाँ जाएंगे। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना, मैं इतना कुछ ही दिन पहले मैं इतना मतलब कि चंडी माता के दरबार में इतना आया ही, तो इन्हें मैं अपनी समस्या सुनाई, तो मैं चलो इनकी समस्या का हल करते हैं, तो जिस तरह का मैं देखा कि इंदा जिस हिसाब का इंदे करना गलत किया जा रहा, कि मतलब इंदी जी 96 कनाल जगह है, मतलब कि 96 कनाल जगह एरिया पे है, 4 लाइन विलेज 4 लाइन 96 कनाल इंदी जमीन ही, मतलब कि रोशनी एक्ट के थ्रू इंदी मतलब जमीन ये डाकूमेंट्स भी है इंदे रोशनी एक्ट के थ्रू ये मालक मनने वाले, तो मतलब इंदा कब्जा भी कम से कम इंदा 30-40 साल इंदा कब्जा, मतलब कि इंदा जिहड़ा कब्जा है माइग्रेंट होए दे ना, अड्डो अड्डे का माइग्रेंट होए इत्थू, तो इन्हें जिहड़े इत्थू दे लोकल लोग उंदे कोला पैसे देइए जगह लईए, मतलब उस टाइम दे मतलब इन्हें काफ़ी सारे उन्हें पैसे भी दिते, तो उहदे बाद च उन्हें इंदे पर गुरदौरियां ट्रांसफर कीतियां, मतलब कि एक थोनू इहे सुनाना चाहुंदा कि लिमिटेशन एक्ट हुंदा इक जिहड़ा सर बनाया हुंदा, सरकार ने की कीता कि कुछ दिन पहले असं इंदियां नकलां कढ़ियां, तो उन्दे विच इन्हें 10 साल का जिहड़ा रिकॉर्ड आ मतलब कि वह कैंसल करी उड़िया हुंदा, मतलब कि इंदा ना पिछले वाले दे जिहड़े ना कट्टी उड़े, और दसी उड़िया कि इंदी ओनरशिप है 2000 तो 20 साल, 20 साल अगर मतलब कि हुंदा कि अगर जिहड़ी मालकी जगह हुंदी है तो उन्दे पर अगर ओनरशिप है तो उसी मालकाना हक मिलता, मगर इन्हें की किया कि 10 साल दी इंदियां गुरदौरियां कट्टी होणियां जिहड़ियां पिछले दियां, तो चलो ठीक है वो जो भी होया उन्दे कोई चक्कर नहीं है, तो देखो जी इन्हें 2022 दे विच जी इंदा कंपनी इन्हें जी जगह दी उस कंपनी का नाम है हाईटैक, जितने तक मैं उनकी इनफॉरमेशन प्रोवाइड की है, तो उस कंपनी का नाम है हाईटैक, तो उन्हें जगह दी है 7 कनाल 12 मंडले जगह दी है इन्हें, तो इन्हें जगह मिली दी है 35 कनाल, वो किस एक्ट के थ्रू मिली, किहड़ा माफिया दे विच इनवॉल्व है, कुन पैसे खाधे जिहड़े इन्हें 35 कनाल इनक्रोचमेंट कर ली, और बकायदा 35 कनाल के कि हूँ वो सारी इनक्रोचमेंट करा दे, इन्हें नसा दे, आर्टिकल 21 ये बोलता है संविधान का जिहड़ा कानून बनया, उहदे विच ये बोलिया जाता है कि राइट टू फूड, राइट टू हैल्थ, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है एक आम आदमी, मगर इंदे सारे राइट ही हनन करिए, गरीबे तरह पहाड़े तरह उधर घुमा दे, इंदी दिखो हालत दिखो, इंदे इनकम का कोई सोर्स, अपने बच्चे भी नहीं पाली पा दे, किहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बैठे दा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इयै गुहार लाना चाहना कि इंदे नाल जिहड़ा है पहला तो इंदी जिहड़ी इन्हें लीगली कंस्ट्रक्शन की, इस कंस्ट्रक्शन ही तोड़िया जा क्योंकि ये लीगली कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन लमसम भी ये साल के अंदर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होया, तो इस कारण इंदे जिहड़े प्रोजेक्ट है पहला कि अगर इन्हें 7 कनाल मिली है, कहना 12 के लोग ने इधर के तो है नहीं है लोकल की इंदी ओनरशिप है, बुरी जगह मिली रही, इन्हें अगर 7 कनाल दी तो 7 कनाल के मंगनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो मैं इतने इनफॉरमेशन प्रोवाइड की है जी कि जो इंडस्ट्री एरिया ना और नै उत्थे नहरा दे पार है, इधर नहीं है इंडस्ट्री एरिया, मगर इतने इंडस्ट्री कि लगी ये पॉइंट है, इंदे एडमिनिस्ट्रेशन मिलीजा भी लगा था कि इंदे कोला एडमिनिस्ट्रेशन इंदी सुनता नहीं, जो ये जंदे ना इंदे कन्नै कोई नहीं आता, उधर आता उन्हें पैसा चढ़ता तो 2 मिंट इन्हें चुकी अंदर डकी उड़ते हैं, तो मैं इयै चाहना कि मेरे कन्नै भी पहले मेरे भी बड़ा है, सरकार सुनती तो है नहीं है, चलो इस टाइम मौजूदा सरकार भी हैनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हैनी सुनता, क्योंकि मैं एक फौजी है, मैं पहले भी बोलिया कि इन्हें भारत संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी कन्नै कसम खाधी है, मगर उनकी कसम का पालना नहीं करते हैं, ये गरदार ने तो इन्हें बोलिए कोई फायदा तो है नहीं है, चलो अगर इन्हें इन्हें बोलिया तो मैं चलो बोली हूँ, तो अगर इन्हें शर्म होग तो इन्हें लोगों कन्नै इंसाफ कर, जय हिंद जय भारत।